फिएट की कारें तो पिछले सालों से नहीं बिक रही थी, फिर आज ही फिएट ने भारतीय बाजार से जाने का डिसीजन क्यों लिया, इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है और हम क्या रीजन मानने लगे थे, डिटेल से बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। 1997 में जब फिएट ने भारतीय बाजार में कदम रखा तो उसके पार्टनर थे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के साथ मिलकर फिएट ने रंजन गांव में अपना प्लांट लगाया जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। वहां से उसने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया। भारतीय बाजार के लिए फिएट कोई नया नाम नहीं था, फिएट के नाम से प्रीमियर की कुछ कारें पुकारी जाती थी। यही वजह था कि भारतीयों के लिए फिएट अजनबी नहीं था। फिएट की पहली कार भारतीय बाजार में आई, उसका नाम था उनो। उन्होंने ठीक ठाक से सेल करनी शुरू की और फिएट ने उसी का सेडान वर्जन भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया सियना के नाम से। सियना भारतीय बाजार में हैचबैक को सेडान बनाने की प्रक्रिया की पहली सीढ़ी थी, जिसको बाद में इंडिगो डिजायर एक्सेंट ने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और भारतीय बाजार में हैचबैक को परिवर्तित करके सेडान बनाने का काम बहुत जोर शोर से चल निकला। हालांकि इसकी शुरुआत फिएट की सियना से हुई थी। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद फिएट ने अपनी पालियो को भारतीय बाजार में लॉन्च किया और पालियो उस समय शुरुआत में काफी तेजी से बिकने वाली कारों में से शामिल थी और उसको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर एडवर्टाइज कर रहे थे भारतीय क्रिकेट जगत के गॉड सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर ने ही इस कार को बहुत जोर शोर से प्रमोट किया, लेकिन कुछ समय बाद ही यह कार अपना चार्म खोने लगी भारतीय बाजार से। फिएट ने उसके बाद अपने पुंटो और लीनिया को भारतीय बाजार में दिया। लीनिया के बाद से लेकर अब तक कोई भी कार भारतीय बाजार में फिएट ने लॉन्च नहीं की से भारतीय बाजार में फिएट का नामो निशान हट गया नई कारों को लॉन्चिंग से लेकर, और यही नतीजा था कि भारतीय बाजार में उसके पास देने को कुछ भी नया नहीं। या तो उन्हीं कारों में रंग पोत के या नए स्टिकर्स लगाकर नया बताकर कभी एवेंचुरा कभी कुछ करके वो देती रही, लेकिन एक्चुअल में नई कार कोई भी नहीं आई। यही नतीजा था कि भारतीयों को वह कारें धीरे धीरे आउटडेटेड पुरातन सी फील होने लगी। यह बात बिल्कुल सच था, फिएट को यहां पर वर्क करना चाहिए था। किसी समय जब टाटा मोटर्स का बुरा हाल था या जब उसकी इंडिका और इंडिगो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई थी तो टाटा मोटर्स को अपनी कारें बेचने के लिए इवन फिएट के शोरूम्स का सहारा लेना पड़ा था। हाँ, वो टाटा के लिए बहुत बुरा दौर था और फिएट के शोरूम के थ्रू वह अपनी कारों को कुछ थोड़ा बहुत बेचने की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। फिएट तो वहीं का वहीं रह गया और टाटा कहां पहुंच गया। क्यों? क्योंकि टाटा ने उसके बाद हार नहीं मानी और अपनी नई डिजाइनिंग फिलॉसफी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। नई टियागो, टिगोर, हेक्सा, नेक्सॉन और हैरियर के आने के साथ टाटा भारतीय मार्केट में तीसरे और चौथे नंबर के लिए फाइट करता है, जबकि फिएट के पास सिर्फ और सिर्फ आखिरी नंबर ही बचा। जबकि किसी समय टाटा को फिएट का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही थी अपनी कारें बेचने के लिए। फिएट भारतीय बाजार छोड़कर नहीं जा रहा है, यह बात तो बिल्कुल सच है। फिएट क्या कर रहा है, फिएट अपनी कारों को बेचना बंद कर रहा है। इसके पीछे का असली रीजन समझने के लिए हमें फिएट के साथ कुछ और भी पुरानी बातों को ताजा करना पड़ेगा। पहली चीज, फिएट भारतीय बाजार में केवल फिएट ही नहीं, जीप कंपास बना के बेचती है। इसके अलावा जीप की कुछ यूनिट इंपोर्ट करती है जिसमें रेंगला और ग्रैंड चेरोकी शामिल है। केवल यही नहीं बात रुकती, वह मैसा रहती की क्वाटरपोर्टे और ग्रैंड टूरिज्मो को भी भारतीय बाजार में बेचती है अपने फिएट ब्रांड के थ्रू, और ये दोनों ब्रांड अभी भी जारी रहेंगे फिएट के बंद होने के बाद। यानी फिएट केवल अपना फिएट ब्रांड को भारतीय बाजार में बेचना बंद कर रहा है, लेकिन जीप और मैसराटी को जारी रखेगा भारतीय बाजार में। फिएट का पूरा नाम है एक्चुअल में फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल और यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इंडिया में। फिएट दुनिया में बहुत सारी कारों के लिए जानी जाती है, बड़े बड़े ब्रांड उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसकी ऑनरशिप भी उसके पास है, लेकिन भारतीय बाजार में चूंकि उन्होंने खुद अपने आप को पिछड़ा कर दिया, आगे कोई नई कार लॉन्च ना करना, अपने आप को अपडेट ना करना, नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना नहीं, यह उसके लिए घातक साबित हो गया। फिएट के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था उसका 1.3 लीटर मल्टी जेट इंजन, जिसे कि उसने सारी दुनिया में तहलका मचा के बेचा। भारतीय इंजन के नाम पर हम इसे देश का इंजन के नाम से पुकारने लगे हैं। मारुति की हर कार में भी यह पाया जाता है डीजल इंजन के तौर पर, और केवल मारुति ही नहीं, टाटा
किसी जमाने में शेवरले भी इसका काफी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अब बात यही नहीं रुकी। यह 1.3 लीटर के बाद टाटा के साथ मिलकर फिएट अपना 1.9 लीटर इंजन, जिसे वो 2 लीटर इंजन कहती है, उसे भी भारतीय बाजार में दे रही है। यह 2 लीटर मल्टी जेट सेकेंड जनरेशन इंजन है, जिसे कि आप जीप कंपास में देखते हैं, आने वाली एमजी की हेक्टर में देखेंगे और टाटा की हैयर में भी आप देख रहे हैं। यह इंजन एक्चुअल में फिएट टाटा के प्लांट में ही तैयार होता है। सीधी सी बात कहूं तो वो ये कि फिएट भारतीय बाजार में कारें बेचना बंद कर रही है, भारतीय मार्केट या भारतीय फैक्ट्री बंद नहीं कर रही है। बंद करने की वजह समझते हैं। समय के साथ ना बदलना आपको एक हिंट था कि असली रीजन क्या है। असली रीजन सेल कम होना बिल्कुल नहीं है। असली रीजन आ गया है उसके सामने 2019 में आने वाले नए सेफ्टी नॉर्म्स, जिसके तहत उसे अपनी सभी कारों में ABS, एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सेंसर्स, इस तरह की चीजें जोड़नी पड़ेंगी, जो फिएट के लिए बहुत महंगा सौदा हो सकता है। सीधी सी बात, उसे सारे कारें जो अभी इसके स्टॉक में मौजूद है उन्हें बेचना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। दूसरा, नए प्लांट के हिसाब से नई कारों में ये सारे फीचर्स बना के देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसे काफी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बात यहीं रुक जाती तो भी एक बात सह लेता, फिएट असली समस्या खड़ी हो गई 2020 में आने वाले BS6 नॉर्म्स, जिसके तहत उसकी कुछ कारें तो बहुत बुरी हालात में है। नए इंजन भी वह देगा तो कौन से देगा, डीजल इंजन, जिसे कि भारतीय बाजार में बिकना धीरे धीरे कम होना तय है। ऐसे हालात में फिएट के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह कुछ नया सोचे। चूंकि उन्होंने पिछले लंबे समय से कोई तैयारी नहीं की थी, यही वजह है कि अब लोगों के दिमाग से वह उतरते रहे। किसी समय फिएट अपनी पुंटो को बिल्ट लाइक ए टैंक कहकर बुलाया करता था, यानी सबसे सेफेस्ट कारों के तौर पर कहता था, और उसका जब NCAP टेस्ट हुआ अभी हाल में तो उसे 0 स्टार मिले, यानी वो जो भारी भरकम मजबूत गाड़ी थी उसको 0 स्टार मिला। ये खबर फिएट के लिए इतनी दुखदायी थी, उसके साथ साथ उन कंज्यूमर्स के लिए दुखदायी थी जो फिएट को सॉलिड मजबूत सेफ कारों के तौर पर भारतीय बाजार में मानते थे। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि हल्की कारें उनकी कारों के मुकाबले सेफ्टी रेटिंग में ज्यादा मार्क्स ला सकती थी। उनके लिए सचमुच यह दिल तोड़ने वाली खबर निकली। भारतीय बाजार में BS6 नॉर्म को कंप्लीट करना आसान नहीं था फिएट के नई कारों के लिए, या वो लीनिया या पुंटो के लिए। इसलिए नवंबर में ही उन्होंने पुंटो के इवो और लीनिया का प्रोडक्शन बंद कर दिया और ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब हम इन कारों का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। यानी नवंबर 2018 से लेकर अब जब फरवरी 2019 आ चुका है, तब तक फिएट की यह बात भी क्लियर हो गई कि केवल उसने वो इन दो कारों को ही मैन्युफैक्चर करना बंद नहीं किया है, एक्चुअल में वह अब कोई कार मैन्युफैक्चर नहीं करेगी फिएट ब्रांड के तहत। लेकिन जीप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिएट भारत में अपनी जीप कंपास को मैन्युफैक्चर करता है और उसने यह 2017 से स्टार्ट किया था जीप ब्रांड के थ्रू भारतीय बाजार में, लेकिन तभी उन्होंने अनाउंस किया था कि वह अपनी रेनेगेड को 2018 में लॉन्च करेंगे। लेकिन लगता है फिएट के दिमाग से वो भूत अभी भी नहीं उतरा कि भारतीय बाजार में कारों को लगातार अपडेट, अपग्रेड और नए मॉडल देने की जरूरत पड़ती है, आइदर पुराने किए हुए उसके अच्छे काम या बड़े अच्छे ब्रांड को भी भूल जाती है इंडिया की पब्लिक। शायद जीप के साथ कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जीप की सेल लगातार गिरती चली जा रही है। उसके इम्पोर्ट किए हुए ब्रांड ग्रैंड चेरोकी और रेंगलर की भी कोई गिनती में सेल नहीं होती है। कंपास जो बिकता था अच्छी खासी गिनती में, वह भी अब सिर्फ 3 फिगर्स की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि 1000 के आसपास की ही सेल आएगी। ऐसे हालात में जीप के लिए आगे सर्वाइव करना और मुश्किल हो जाएगा, जबकि एक नया कॉम्पिटिटर भारतीय बाजार में आ गया है हैरियर, और MG मोटर्स अपनी हेक्टर को भी भारतीय बाजार में लेके आ रही है। मेरा पर्सनली मानना है जीप को फिएट वाली गलती नहीं दोहराना चाहिए, अपने लगातार एक के बाद एक नए ब्रांड जल्दी से जल्दी भारतीय बाजार में देने चाहिए। अगर वह लीनिया, पुंटो और पालियो जैसी गलती करेगा तो यह बात तय है कि लोग बहुत जल्दी कंपनी को भूल जाते हैं, और फिर उसके बाद सेल इतनी कम हो जाती है कि आप अपग्रेड करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। हालांकि आपने जीप ब्रांड में ही कंपास में कई अपग्रेड दिए, पहले नॉर्मल दिया, फिर उसके बाद आपने उसमें ऑटोमेटिक दिया, सनरूफ दिया। इन सब चीजों से केवल काम नहीं चलने वाला है, आपको नई कारें लॉन्च करनी पड़ेंगी। आप छोटे छोटे से चेंज लाके अपनी कार को नया साबित नहीं कर सकते।
उम्मीद है जीप इस बात पे आगे बढ़ेगी और अपनी रेनेगेड और भी कमांडर जैसी कुछ कारों को भारतीय बाजार में देने के बारे में जल्द से जल्द प्लान करेगी। अगर वह ऐसा एक दो साल में नहीं करती है तो उसके लिए भी सर्वाइविंग कठिन होती जाएगी नई परिस्थितियों के अनुसार। जबकि भारतीय बाजार में कई कंपनीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है जिनमें फोर्ड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा शामिल है। ऐसे में जीप के लिए भी सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिएट की बादशाहत जो इंटरनेशनल मार्केट में जारी थी वह भारतीय बाजार में आते ही धम्म से नीचे आ गई। फिएट अपनी इंजन को अभी भी मैन्युफैक्चर कर रहा है और करता भी रहेगा आगे कुछ समय तक, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जारी रहेंगे। केवल वह अपनी कारों को शोरूम के थ्रू बेचना बंद कर रहा है और मैन्युफैक्चर करना फिएट ब्रांड को बंद कर रहा है। बस केवल इतना ही है और कुछ नहीं। और इसके अपडेट और चेंज होने की वजह केवल कारों का कम बिकना नहीं है, एक्चुअल में बंद होने की वजह नए सेफ्टी नॉर्म्स पर अपनी कारों को खड़ा उतारने के लिए होने वाले चेंज के खर्चे को संभाल ना पाना है। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आप क्या मानते हैं, क्या फिएट अभी भी जीप के साथ गलती दोहरा रहा है कुछ नई कारें और ना लॉन्च करके? बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही यह भी बताइएगा आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर आपको हमारी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करने में देर मत कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मेरी मेहनत इग्नोर मत कीजिए, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में बात किया करता हूं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का बटन ठीक नीचे है रेड कलर का, अभी दबा दे। एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को पुश करने में देर मत कीजिए। मुलाकात होगी मेरी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिएगा आस्क कार गुरु।